तो प्यारे सर, क्या हाल है? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बाग में आया हूँ और पीछे मेरे माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं ईरान में पहुँच गया था, तो अभी बाग कितने दिन से पहले तो बाग के अंदर बहुत वीडियो बनाई थी, लेकिन आज फिर मैंने कहा बाग में आया हूँ, बाग के अंदर वीडियो बनाए, बाग का माहौल दिए हैं, क्या है उधर, जो पानी की सूरत हाल है, पानी बहुत कम है, उसके बारे में आपको मालूम दे दें। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये होती सर, मेरे जितने पिदर भाई जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जितना हो सके भाई की सपोर्ट करें, मेरी और भी जितनी वीडियो पड़ी हैं सबको देखें। तो बाकी मैं आपको इधर का माहौल दिखाता हूँ, खजूरों ने भी बगाया, बोर वगैरह भी उठाया हुआ है, और कुएं के अंदर पानी वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। कुएं के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, कम हो गया, पानी ख़त्म हो गया समझ लो। अभी लोग थोड़े परेशान हैं इधर के, अल्लाह करे बारिश हो जाए, डैम में पानी आएगा तो फिर लेने वगैरह घर की पानी की चालू हो जाएंगी ना। तो अभी फ़िलहाल लोग पानी से बहुत तंग है, बहुत परेशान है। तो बाकी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं खजूरें वगैरह हैं, तो इस तरफ भी ये सारी खजूरें हैं, माशाल्लाह खजूरें देखो, ऊपर बोर वगैरह उठाया हुआ है। तो ये भी मेरी तरफ सारी खजूरें खजूरें हैं, ये खजूरें हैं, और ये सारी माशाल्लाह खजूरों ने बोर उठाया हुआ है। इंशाल्लाह इस साल भी माशाल्लाह बहुत खजूर लगेगी। बाकी वो सामने पीछे घास वगैरह लगा हुआ है, बकरियों के लिए घास लगाया हुआ है, और इस तरफ अंदर सामने वो जैतून का दरख्त है, वो भी आपको पता है, और इसके साथ वो भी खड़ा है, दो दरख्त हैं। तो और ये छोटे छोटे खजूरें के बच्चे भी हो रहे हैं माशाल्लाह। अभी कोशिश यही है कि एक आध बच्चा निकाल के ले जाएंगे पाकिस्तान, उधर भी मज़ाते खजूर लगाएंगे ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ पानी वाला कुआं, ये जी पानी वाला कुआं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खुश्क हो गया, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। तो अभी दो कुएँ हैं, थोड़ा बहुत पानी जमा होता है रात को, जैसे मौसम ठंडा होता है थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, वही लगा रहे हैं, वरना ये कुएँ फूल थे और हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं थी बिल्कुल, हमें पानी चाहिए भी नहीं था। बाकी इस तरफ भी ये खजूरें हैं, और ये दरख्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दरख्त जैतून का लगा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं ये पुराना ट्यूबवेल था, वो डीजल पर जो चलता था, इसका डीजल अभी भी मिल रहा है। और जैतून का दरख्त मैं आपको करीब से दिखा दूँ पकड़ के, ये जो है जैतून का दरख्त है, ये जो है पकड़ा हुआ है ना, ये जैतून का दरख्त है। और बाकी हवा माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत ठंडी चल रही है, आज भी सब से पहले लोग हैं सब भाई, दुआ करें कि अल्लाह ख्याल से रहते, जैसे कि मौसम ठंडा ठंडा रहे, ठंडा ठंडा रहे, रोज़ेदार खुश रहे। तो बाकी इस तरफ मेरे सामने वो घर वगैरह और बाग भी है, और इस तरफ सामने वो गाड़ी खड़ी है, और वो सामने घर हमारा उस साइड पे, वो तो आपको पता ही है। तो बाकी हर रोज़ आपको वीडियो मिला करेगी, नए से नई वीडियो मिला करेगी। तो आज तक की वीडियो इतनी ही, अल्लाह हाफिज़, नक्स कोशिश करूँगा नए से नई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आने की। तो आप सब इधर मेरी सपोर्ट क्या करें यार, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी कुछ भाई के लिए मेहनत किया करें। बाकी मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ, यही मैं अर्ज़ कर सकता हूँ, और कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई मसला नहीं, आप मेरी वीडियो ही देखा करें, जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगती है बहन को वो ज़रूर देखा करें, सपोर्ट किया करें यार। आप एक व्यूज़र भी हमें देखते हैं ना, दिल को इतनी खुशी होती है यार, फलां व्यूज़र ने हमें देखा है। जैसे व्यूज़र बढ़ते जाते हैं दिल पर तसल्ली होती है, खुशी होती है, और यूट्यूब पर भी मज़ा आता है वीडियो बनाने का, फिर दिल करता है हर रोज़ यार ना ही से ना ही वीडियो बनाए, जितना कोशिश करें ना ही वीडियो बनाए। बाकी अल्लाह खैर करेगा तो हर रोज़ हमारी आपको और नई वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो आज तक की इतनी आज चीज़ें अपने भाई को इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।